दोस्तों पोको F6 के बाद ये दूसरा फोन है इंडिया में जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिल रहा है और मैंने ये बाय किया है 23,000 पे। और जहां तक मुझे लग रहा है ये बन सकता है इंडिया का सबसे सस्ता 8S Gen 3 वाला स्मार्टफोन। परफॉर्मेंस यहां पर टॉप क्लास की आपको मिल जाती है, स्कोर्स आते हैं तो बेंचमार्क के 1.5 बिलियन के आसपास, जो कि बहुत बड़ी बात है। UFS 4.2 स्टोरेज यहां पर दे रखी है, कोई भी आप काम करोगे स्पीड आपको लाजवाब मिलेगी, कोई आप गेम खेलो मजा आएगा आपको। 60 FPS पे आप कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट आपको मिल जाएंगे, अगर आप बैटल ग्राउंड खेलते हैं तो 60 FPS। और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें 60 FPS की गेमिंग को 120 FPS तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर गेमिंग खेलनी है तब ये चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वापस आपको 60 FPS पे ही आना पड़ेगा। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, इसमें आपको 90 FPS का ऑप्शन भी मिलना चाहिए था, बिकॉज प्रोसेसर ये बहुत तगड़ा है। बाकी वैसे परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है, हीटिंग वाली कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। मुझे यार 8S Gen 3 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना किसी और के साथ तो 8 Gen 2 आपको मिल रहा है ना, उस लेवल का ये प्रोसेसर है, वैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाती है, उसके भी स्कोर्स आते हैं 1.5 मिलियन के आसपास। बाकी जो इसका डिज़ाइन है वो सेम है, IQ 12 आपको मिला था ना वैसा ही डिज़ाइन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ग्लास नहीं है, पीछे प्लास्टिक है, लेकिन मैट फिनिशिंग आपको मिल जाएगी। हाथ में लेकर फ़ोन सही लग रहा है, बड़े लाइट वेट लग रहा है, ज़्यादा हैवी फील ये नहीं हो रहा। और ये भी इन्होंने कमाल का काम किया है कि इसमें 6000 mAh की बैटरी लगा रखी है, फिर भी ये फ़ोन ज़्यादा हैवी नहीं बना हुआ। 80 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, 6000 mAh के हिसाब से तो यार बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है दिखने में इसमें 5000 mAh की बैटरी हो, उस लेवल की थिकनेस है इस फोन में और वैसा मुझे वेट फील होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके लिए ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आता रहूंगा। बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको IQ Z9 Turbo कैसा लगा और आपके अकॉर्डिंग इंडिया में ये किस रेंज में आ सकता है या फिर आना चाहिए। मेरा गैस है इंडिया में ये आएगा 2999 का, ये मेरा गैस है, आपका गैस क्या है कमेंट में भर दो। वैसे इस फोन का वेट है 194 ग्राम के आसपास, अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँ ना बेजल्स यहाँ पर नाम के बराबर आपको मिल जाएंगे, पूरा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और ये एमोलेड पैनल है, यहाँ पर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देख कर लग रहा होगा इन्होंने बड़ा अपग्रेड किया है 144Hz डालकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस हमको पागल बनाने की ना कुछ टेक्निक्स हैं। 144Hz काम करेगा कुछ गेम्स के अंदर, लिमिटेड गेम्स रहेंगी जो जाती है 144Hz तक, वहाँ पर ये चीज़ काम करेगी। वैसे यहाँ पर आपको नॉर्मल फ़ोन के अंदर मिल रहा है 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत स्मूथ काम कर रहा है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, लैग वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो 8S Gen 3 है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। बाकी HDR का सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है, जब मैंने यहाँ पर HDR कॉन्टेंट प्ले किया ना तब मुझे सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज काफ़ी ब्राइट है इस फोन का डिस्प्ले, जो कि HDR कॉन्टेंट के टाइम पर बहुत हेल्प करता है। 4500 nits की है पीक ब्राइटनेस, जो कि बहुत बड़ी बात बन जाती है। आपको जो फ्लैगशिप फोन मिल रहे हैं ना आजकल, चाहे वो सैमसंग के फ्लैगशिप हो, एप्पल के फ्लैगशिप हो, उससे भी बेटर ब्राइटनेस यहाँ पर दे रखी है 4500 nits। मैंने इसको आउटडोर में टेस्ट किया, सब कुछ क्लियर था, अच्छी ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पर दे रखी है, खाली नाम की नहीं है, एक्चुअल में आपको फील हो जाएगा जब आप इसको यूज़ करोगे कि हाँ इतनी ब्राइट डिस्प्ले ये मिल रही है हमें। IP64 सर्टिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, जिसमें क्या होगा अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरता है फ़ोन पे, डस्ट आती है, बारिश में ले जाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा IP68 यहाँ पर देना चाहिए था, आजकल तो ट्रेंड है 68 का, हमें मोटोरोला ने ये ट्रेंड सेट किया है कि बजट में भी हमें IP68 देकर, मोटोएज 40 से शुरुआत हुई थी, मोटोएज 40 नियो में भी हमें मिला था IP68 सर्टिफिकेशन। भाई रेजोल्यूशन यहाँ पर अच्छा है, 1.5K रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, नॉर्मल फुल HD नहीं है, तो तभी मैं जब इसको यूज़ कर रहा हूँ ना काफ़ी शार्प लग रहा है इस फोन का डिस्प्ले। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 मिल जाएगा, बाकी इसके जो बेस मॉडल आपको मिलता है ना वो मिलता है 256 GB स्टोरेज के साथ। अब इंडिया में देखते हैं जब ये फोन लॉन्च होगा वो आपको बेस मॉडल कौन सा देते हैं। साथ में रियर में यहाँ पर प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है 50 MP का, ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं। मुझे देखो इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी है, जितनी मैंने इसको यूज़ किया ना डिटेल्स वगैरह ये सही कैप्चर कर लेता है, कलर्स को भी ये सही मेंटेन करके रख रहा है, 4K वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर कमाल किया, अच्छी स्टेबल वीडियो कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड कैमरा यहाँ पर 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, यहाँ पर मैंने देखा है जब वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं तो डिटेल थोड़ी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है, इसको थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिनकी क्वालिटी मुझे सही लगी है, जो ट्यूनिंग है ना इसमें
बढ़िया कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाएगा, ये फास्ट है, स्टेबल है, जैसे ही टैप करते हैं फोन अनलॉक हो जाता है। भाई मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए ना मैं इसके कैमरा को पोको F6 से कंपेयर करके भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा इंडिया में जो पोको F6 है उसके सामने इसका कैमरा कहाँ स्टैंड करता है। ये दोनों के सैंपल आप देख सकते हैं। ये था दोस्तों IQOS Z9 Turbo, ये जो इंडिया का ट्रू फ्लैगशिप किलर फोन बन सकता है। बाकी देखना ही होगा इंडिया में जब ये फोन आता है तो इसकी प्राइसिंग क्या रखता है IQOO, क्योंकि अगर चाइना प्राइस में देख रहा हूँ वो 23,000 है, ठीक है। अगर ये इसको 4-5,000 बढ़ा देते हैं या 30,000 तक ले आते हैं तो इनका IQOO Neo 9 Pro कहाँ जाएगा। ये सब चीज़ें देखकर इन्हें प्राइस की डिसाइड करनी पड़ेगी IQOO Z9 Turbo की। मुझे तो उम्मीद है कि ये 30 के आसपास ही फोन इंडिया में लॉन्च होगा, तभी ये बनेगा ट्रू फ्लैगशिप पिलर इंडियन मार्केट का। बाकी आप बताओ मुझे कमेंट्स में आप क्या सोच रहे हैं, इंडिया में ये फोन किस रेंज में आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।